कान्हा जी की पीकॉक ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पीकॉक ड्रॉ किया है। तो अब ये हम 3 नंबर के कान्हा जी और 1 नंबर के कान्हा जी, 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। छोटी ड्रेस है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको, इस वाले पार्ट को, ये जो नीचे की तरफ पार्ट जा रहा है उसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये हम 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए इजीली पहना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो माप लिया है वो लिया है 3 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो 3 इंच जो इधर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसमें 1 इंच मैं रखूंगी कान्हा जी की चोली के लिए, और इसको मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इस तरह से ये चोली वाला पार्ट रहेगा, इसको कट कर देंगे और बाकी का मैंने यहाँ पे मोर ड्रॉ कर दिया है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन इसको मैं इस तरह से कट करूंगी, और यहाँ पे मैंने मोर को इस तरह से ड्रॉ किया है कि मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है, बीच से मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो दूसरी तरफ जब हम इसको कट करेंगे तो दूसरी जो तरफ है वो अपने आप जुड़ा भी रहेगा और ये हमारी कटिंग एक साथ हो जाएगी। इस तरह हमने एक साइड में इसको ड्रॉ किया था और उसी हिसाब से इसको हमने कट कर लिया। तो जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरह से आई है, ये हमारे जो कान्हा जी की पोशाक है उसकी शेप है। अब जो हमारे कान्हा जी की चोली वाला पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे, जो कि हमने निशान लगाया हुआ है उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसी तरह से उसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल गोलाई के आकार से कट करना है उसको हमने। और जो ये जो हम ड्रेस बनाने जा रहे हैं आज, इसमें हम जो चोली को अलग से बिल्कुल बनाएंगे और अलग से ही हम उसको सेट करेंगे। या तो हम पहले बिल्कुल जिसको कोट पेस्ट करने के बाद, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको पेस्ट करने के बाद इस पे हम पहले चोली को अटैच करेंगे, उसके बाद हम पूरी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा हम इसमें यूज कर रहे हैं उस कपड़े को हम उल्टी साइड में इसको हम पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद इसको हम कट करेंगे। पेस्ट कर लिया है, पेस्ट करने के बाद अब इसके कटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको पूरे कटिंग कर लेंगे। कर लिया है और इसको कटिंग कर लिया है। ये इस तरह से इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट के लिए हमने जो मोर की शेप ली है, पीछे वाले हिस्से में हमारे मोर की शेप है, तो उस हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे, कच्चा रफली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारे मोर आ रहे हैं, मोर की जो पंख है उनको हम पहले इस तरह से डेकोरेट करेंगे जो एकदम फिनिशली दिखाई दे। वो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इस वाली ड्रेस के साथ हम जो चोली रखेंगे वो सेपरेट रखेंगे, इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डेकोरेट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है एकदम से ढक जाएगा। तो हम जो चोली बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। चोली की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है इस तरह से। अब इसको कटिंग करने के बाद ये बाजू वाला पार्ट है बाहर की तरफ वाला, और ये अंदर वाला पार्ट है, और इसको भी हम तैयार करेंगे, तो इसको हम अलग रखेंगे। बनाइए इसकी हम सेपरेट चोली रखेंगे, अब की बार इसमें अटैच नहीं करेंगे इसको। और चोली हमने बना के रेडी कर ली है। चोली हमने इस तरह की इसलिए बनाई है, जो ये एक्स्ट्रा रिबन है जो, वो इसलिए है कि जब हम कान्हा जी को जो चोली पहनाएंगे तो वो इस तरह से हम इसको पीछे से बेंड कर सकते हैं, पीछे से बांध सकते हैं। इस तरह से कान्हा जी की जो चोली है वो रेडी है। अब चोली को हम साइड में रख देंगे। चोली को भी हम ऐसे ही डेकोरेट करेंगे जैसे हम अपनी ड्रेस को करेंगे। सबसे पहले हम इस ड्रेस पे जो हमारा आउटर लाइन है, आउटर लाइन को हम इस तरह के बीड्स से सजाएंगे। पहले हम बीड्स लगाएंगे इस पे, और हम ये बीड्स लगाएंगे फेविकॉल से। तो इस तरह से हम इस पे फेविकॉल यूज कर रहे हैं। आउटर पे हम इस तरह से बीड्स लगाएंगे जो डिजाइन है हमारा एकदम से मोर वाली शेप में आए। इस तरह से आउटर लाइन पे हम सारे ये बीड्स लगा के चिपकाएंगे इनको। यहाँ आउटर में इस तरह से बीड्स को लगा दिया है, और अब हम जो मोर का इधर वाला हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इस पे भी इसी तरह से हम बीड्स लगा लेंगे। हमने पीकॉक के जितना भी आउटर है सब पे बाहर की तरफ जो भी जितना भी आउटर है उस पे हमने बीड्स को फेविकॉल से चिपका लिया है, और अब इसको अंदर से डेकोरेट करेंगे। क्योंकि हम हैवी वर्क वाली पीकॉक वाली कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो इसपे हम काफी सारे पीकॉक्स रिलेटेड बीड्स यूज कर रहे हैं। अब हम ब्लू कलर की बेल चैन यूज कर रहे हैं।
हमारे पास मोर पंख की व्हाइट ही है, मुझे बाजार में मिली नहीं जैसी हमारे मोर के लिए होते हैं मोर पंख जैसे, लेकिन ये जो है लगभग मोर जैसे ही नीलम है। अब इनको मैं इस तरह से यहाँ पे सेट करूंगी। जो हमने यहाँ पे कट लिया है उसके हिसाब से ही हम इनको पेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे ये नीलम है व्हाइट जो स्टोन है इसके हमारा जो फ्रेम की शेप है वो एकदम से क्लियर आना चाहिए, और जो हमारे मोर नाचते हुए मोर का होता है वो कुछ इस तरह से ही होता है। जो फर्स्ट लेयर है इसको बीड्स को रतन लगाए हैं इस पे, ये मेरे मोती लगाए हैं, और इसके बाद मैंने बेल चैन इसके चारों तरफ लगाई है, और इसी तरह से जो मेरे और हैं यहाँ पे मैं जो दूसरी लाइन है इस पे मैं 5 लगाऊंगी, 3 इधर और 2 इधर की तरफ, और इन पे भी मैं इसी तरह से बेल चैन लगाऊंगी, और बीच में जो ये पार्ट है इस पे भी इधर ये चिपकाऊंगी, और इस पे भी मैं बेल चैन का यूज करूंगी। जो फर्स्ट लेयर है उसमें मैंने लगाया है इसमें गोल्डन बेल चैन, और जो सेकंड और थर्ड लेयर है उसमें मैंने ग्रीन बेल चैन का यूज किया है। ये देखिए हमारे कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी मोर वाली ड्रेस बनके रेडी होने वाली है। आप इसमें अपने मनपसंद के बीड्स, जैसे मैंने इसमें व्हाइट लिए हैं तो आप उसमें नीले या हरे कलर के यूज करेंगे तो और ये और भी ज्यादा बहुत सुंदर दिखाई देंगे। ये हमारे मोर वाली ड्रेस देखने में बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कान्हा जी दो मोरों के बीच में बैठे हो, और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसी ड्रेस जरूर ट्राई कर सकते हैं, और इसको डेकोरेट करना भी बहुत ज्यादा आसान है, और जो भी कान्हा जी को रोज अपने हाथों से सजाते हैं रोज उनको तैयार करते हैं तो उनके लिए ये ड्रेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, वो जरूर अपने कान्हा जी के लिए ये ट्राई करेंगे। मैं इसमें रेड ग्रीन लेयर के बाद अब इसमें मैं रेड कलर के बीड्स लगाऊंगी। इस तरह से हम सारे पीकॉक्स को डेकोरेट कर देंगे। मैंने बीड्स का यूज किया है इसमें। ठाकुर जी की मोर वाली ड्रेस बनके रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।